खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है, जहां जिले की सर्वोच्च कुर्सी के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं सभी पार्टियां जोड़ तोड़ करके अपना अध्यक्ष बनाना चाह रही हैं, जिसको लेकर 26 जून को सुल्तानपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से उषा सिंह और समाजवादी पार्टी से केशव यादव और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अर्चना सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। पांच सेटों में तीन उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी अपनी की, छह सेट में की थी, एक सेट रिजेक्ट हुआ था। लेकिन तीनों अभ्यर्थी शनिवार को आवेदनों का सही पाया गया। आज पर्चा वापसी में कोई फॉर्म वापस नहीं मिला, अर्थात जो मतदान होगा वो तीन प्रत्याशियों के। जहां आज नॉमिनेशन की वापसी होनी थी, जिसको लेकर पूरा प्रशासन जिला पंचायत में मौजूद रहा, समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया गया था, जबकि भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी ने दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से एक नामांकन पत्र के साथ उसी नामांकन पत्र की फोटो कॉपी लगाई गई थी, जिसे जाँच के दौरान निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।